जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, इस बार सोमवार को पड़ रही है, अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन यदि साथ मिलकर व्रत करते हैं, वो पूजन करते हैं, तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से जल्द इच्छाएँ पूरी होती हैं। वह क्या उपाय हैं मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बहुत ही खास, इस बार इतना श्रेष्ठ योग पड़ रहा है जो हर अहोई अष्टमी पर नहीं पड़ पाता। इस बार जो योग पड़ रहा है उसमें आप जो भी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए आप मन में इच्छा करते हैं, अवश्य आपकी पूरी होगी। 17 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार इस अष्टमी पर शिव योग तो है ही, साथ में सर्वाद्ध सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस अष्टमी को माताएं तारों को देखकर अर्घ देती हैं और फिर व्रत का पारण करती है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, उसकी उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। निसंतान माताएं भी इस दिन संतान प्राप्ति की कामना करते हुए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन पूजा से संबंधित कुछ उपाय किए जाते हैं और इन उपायों को करने से अवश्य शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए यदि अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजन की जानी चाहिए। यदि करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होती है शीघ्र पूरी होती है। पूजन में इनको दूध भात का भोग लगाना चाहिए। पूजन के खाने में एक हिस्सा गाय का और उसके बछड़े का निकालें, फिर सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 दीपक जलाएं और मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। अहोई अष्टमी के दिन शिव योग का जो निर्माण हो रहा है वह बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है, इसलिए दंपति अष्टमी तिथि से लेकर भाई दूज तक यदि हर रोज पारस शिवलिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं, पारस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ माता पार्वती की अष्टमी तिथि को अहोई के रूप में पूजन जो की जाती है, व्रत रखकर माता से भी संतान प्राप्ति की मनोकामना करें। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर अहोई माता को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। साथ ही घर में जितने भी मेंबर हों, जितने भी सदस्य हों, उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि वृक्षारोपण अहोई अष्टमी के दिन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाते हैं। और साथ में एक छोटा सा तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद सायंकाल के समय तारों को अर्घ देकर पूजन करें और अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करें। लगाए गए पौधों का हर रोज ध्यान रखें और ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई अष्टमी का व्रत तो रखें ही रखें। उस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों को लाल धागे में पिरोकर एक माला बना लें। इसके बाद उस माला को पूजन के समय माता अहोई को चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की मनोकामना करें। पूजन के बाद उस माला को पत्नी के गले में पहना दें। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बाद में अहोई अष्टमी के दूसरे दिन आप उस माता का जो आपने माला पहनाई है वह उतार के रख सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजन भी करना चाहिए। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अहोई अष्टमी से लगातार 45 दिनों तक भगवान गणेश को हर रोज बेलपत्र और दुर्वा समर्पित करें। साथ ही बेलपत्र और दुर्वा चढ़ाते समय हर रोज ओम पार्वतीय प्रिय नंद नाय नमः, फिर से मैं मंत्र बोल रही हूँ, हम ध्यान से सुने।
ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, माता पार्वती की, माता गौरा की और भगवान शिव की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और इससे पति पत्नी की इच्छा पूरी होने के साथ साथ जो आपके यहाँ संतान की कमी है वह पूरी होती है, क्योंकि गणेश माता पार्वती के पुत्र हैं। जो उनका पूजन करता है उन्हें भगवान शिव और माता गौरी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है जो बहुत लोग करते भी हैं, बहुत प्राचीन है। अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति गोवर्धन परिक्रमा के दौरान मध्य रात्रि में राधा कुंड में अवश्य स्नान करते हैं। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती ही होती है। मान्यता है कि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था। यहाँ अहोई अष्टमी के दिन हर साल शाही स्नान का आयोजन किया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। यानी इसका महत्व आप सभी समझ ही गए होंगे कि कितना महत्व होगा। यदि आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है या कोई बड़ी परेशानी दाम्पत्य जीवन में चल रही है तो इस दिन अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चैन पहनने के लिए कहें। ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में चल रहा जो मनमुटाव है वह समाप्त हो सकता है। अगर यदि आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर विचलित रहती है, कोई कैरियर को लेकर विचलित रहता है, तो इस दिन एक चांदी का चंद्रमा लेकर उसे दें, उसे कहें कि इस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन ले। कोई सी भी माला में डालकर पहन सकते हैं। अगर वो पहनना ना चाहें तो उसे अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपकी संतान को बिजनेस से लेकर कोई नौकरी तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। करियर में सफलता मिलेगी। यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ नया अवश्य सुझाई आएगा। यदि साथ ही यदि आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं जम पा रहा है, तो आप शीघ्र विवाह के लिए ये कार्य कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर अहोई माता को गुड़ और चांदी की माला अर्पित की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माँ पार्वती का मंत्र जो इस प्रकार है, ओम ह्रीम उमाये नमः। मैं मंत्र फिर से बोल रही हूँ, ओम ह्रीम उमाये नमः का जाप करते हुए संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चैन पहनाएं। इस अहोई अष्टमी के दिन चांदी के मोती और चांदी की माला पहनने का बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। उसके बाद उसे सिर पर रखकर आशीर्वाद दें, हाथ रखकर। और देखना, यदि आप विवाह के लिए कर रहे हैं तो आप जो भी प्रार्थना करते हैं उस समय शिव और माता पार्वती से, तो आपकी अवश्य इच्छा पूरी होती है और शीघ्र ही विवाह योग बनते हैं। इस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए स्याहू माला का जाप करना चाहिए। माला चांदी से बनवाई जाती है। अहोई पूजा के समय इस माला को डोली और अक्षत के साथ साथ दूध से पूजन किया जाता है। मान्यता है इस माला को दीपावली तक रखा जाता है, माना जाता है, और इस माला की विधि विधान से दीपावली तक पूजन की जाती है। उसके संतान से संबंधित बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। इस प्रकार यदि आप अहोई अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है और शिव योग पड़ रहा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सर्वाद सिद्धि योग ये भी पड़ रहा है। आप इसमें अवश्य पूजन करें। यदि आपके परिवार में जैसे भी पूजन करते हैं वैसे करें, लेकिन जो उपाय आपको बताए गए हैं और आप उस समस्या से ग्रस्त हैं, आपकी संतान परेशान है, आपके यहाँ संतान नहीं है, तो आप उन उपायों में से जो भी आपको श्रेष्ठ लगता है कर कर देखें। विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य फायदा होगा आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।